नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, 31 अगस्त की ताज़ा खबर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जहाँ दोस्तों बता दें, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया दोबारा, जी हाँ दोबारा आपको बता दिया गया है, परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों बता दें, NTPC की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका है, समय आपको बहुत ही ज़्यादा मिल चुका है, चूँकि यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। आपको यहाँ पर 2 से 3 महीना समय मिल गया है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पूरी खबर यहाँ पर देखते हैं। पीयूष गोयल का नया लॉन्च हुआ है कि जो इससे यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा देरी होगा NTPC का, क्योंकि पहले ग्रुप डी का एग्जाम लेना है। ठीक है, चलिए पूरी न्यूज़ की ओर चलते हैं। एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, RRB NTPC 2019 का ग्रुप चला रहे हैं, साथ ही साथ RRC ग्रुप डी 2019 का भी ग्रुप चला रहे हैं, और RRB JEE का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका यहाँ पे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको जो सो मिल जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड न्यूज़ 2019 का भी यहाँ पे ग्रुप हम चला रहे हैं। ये सारे ग्रुप में आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। ज्वाइन होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, और वीडियो को क्या कर देना होगा, लाइक कर देना होगा दोस्तों। और उसके बाद कमेंट में आपको जो है सो अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना नाम यहाँ पे कमेंट कर देना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा कि आपको जो है सो हम अपने चैनल में ऐड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उन्हीं लोगों को ऐड करते हैं जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है YouTube की तरफ से कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। ठीक है, आपको बता देते हैं ये सारे ग्रुप में खासियत दोस्तों, RRB NTPC में यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पे 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। RRC ग्रुप डी में यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60 मिनट का यहाँ पे समय मिलेगा, 60 मिनट में सॉल्व करके बताना है ग्रुप में कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। RRB JEE 2019 का भी एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो भी शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पे हम एग्जाम का क्वेश्चन हमें मिल पाता है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। रेलवे भर्ती न्यूज़ 2019 में यहाँ पल पल की खबर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे वीडियो बनाने से पहले आपको यहाँ पे रेलवे भर्ती न्यूज़ 2019 में पल पल की खबर आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम और व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं न्यूज़ की ओर। दोस्तों आ चुके हैं न्यूज़ की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV से बातचीत में कहा है। जी हाँ दोस्तों, NDTV से यहाँ पे देख सकते हैं, NDTV के जो रवीश कुमार हैं उनसे बातचीत में रेलवे अधिकारी ने बताया है। ठीक है, कि रेलवे भर्ती बोर्ड अभी जो है सो पारा मेडिकल की भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, मतलब पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। ठीक है, इन्होंने बताया कि पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। ठीक है, पैरा मेडिकल के बाद NTPC मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटिक्स कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है NTPC के बाद जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा जो यहाँ पे खबर आ रही है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, NTPC मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटिक कैटेगरी में ग्रुप डी की परीक्षा, जी हाँ दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा जो है भर्ती रह जाएगी, ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी देख सकते हैं, आगे खबर आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है सो खबर आ चुका है NTPC और ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लेटेस्ट यहाँ पे खबर आ चुका है, यहाँ सेप्टेम्बर में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना लग रहा है NTPC का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे सेप्टेम्बर में होगा। रेलवे परीक्षा ने केंद्रों को ध्यान में रखते हुए बातचीत में बताया है। ठीक है, यहाँ पे NDTV के शीर्षक दे सकते हैं, NDTV मिनिस्ट्रियल आइसोसोट कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, ये NDTV के रवीश कुमार के बातचीत से पता चला है। ठीक है, यहाँ को बता दें, रेलवे परीक्षा की तारीख तय करते ही जो है सो यहाँ पे और उसके शिफ्ट वगैरह डिटेल आपको जो सो बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें जो दोस्तों कि यहाँ पे रेलवे परीक्षा की तारीख तय करते ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है जारी कर देगा। ठीक है, उसके बाद तारीख, केंद्र और शिफ्ट डिटेल जो सो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और जिसके बाद 4 दिन पहले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जी दोस्तों, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो मात्र 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा। ठीक है, तो आपको बता दें इस वीडियो में कैसा आपको लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।